साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सिंपल है। हम किसी के बॉडी, उसके बिहेवियर को, उसके माइंड को जो हम पढ़ते हैं, दैट इज साइकोलॉजी। आपको ये चैप्टर में जो चैप्टर है इसमें लिखा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब आप लोग बैठे हो ना, अब हमको आपका सबका नेचर का पता है, विच टाइप ऑफ नेचर यू हैव, विच टाइप ऑफ बिहेवियर यू हैव। ठीक है, ये कूल होके बैठता है बच्चा, ये एग्रेसिव है, ठीक है, वो शरारत में है, ही इज नॉट स्टेबल। और ये स्पोर्ट्स में सबसे पहले हमको सिखाई जाती है। कई एक आदमी ऐसे होते हैं, उसको आप जितना मर्जी बोलते रहो, वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो एज होती है और मेन जो एडोलसेंस एज होती है, इसमें मेन प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को ओवर रेट करते हो। ठीक है, आप किसी बाकी टीचर्स को तो छोड़ो, पेरेंट्स की नहीं सुनता है इस एज में बच्चा। ठीक है, बहुत से ऐसे क्राइम, साइबर कैफे क्राइम, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं इस एज में, जो हम बोलते थे ना आज से 5 ईयर 10 ईयर्स बैक, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू योर टीचर, पेरेंट्स, सीनियर्स। ये रैगिंग वर्ड क्यों यूज होता था? रैगिंग पता है क्या होता है? इसका एक बड़ा, जस्ट लाइक है, यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन टू योर सीनियर्स एंड यू शुड बी नो। वो आपको बोलेंगे यहां से छलांग मार दे, मार दोगे। मींस कि जो सीनियर्स हैं आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है, यू हैव टू फॉलो देम। बेटा आर्मी में अभी भी जाओगे ना, अगर आप में से कोई अभी भी आर्मी में जाएगा तो वहां देखना कैसे डिसिप्लिन सिखाते हैं। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैन क्यों हो गया है? बिकॉज मिसयूज इसका करना शुरू कर दिया। सीनियर्स आएंगे, आपको जो दिल में किया वो आपसे करवा रहे। यू हैव सीन दैट मूवी ऑल्सो, वो बड़ी फेमस आमिर खान की, क्या थी वो, है? हाँ ठीक है। तो ये जितने प्रोफेशनल कॉलेज थे, जब भी आप किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाओगे तो आपकी रैगिंग, इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो इंट्रोडक्शन जरूरी होती थी। आप कहाँ से आए हो, क्या स्ट्रीम है आपने, क्या आपकी बैकग्राउंड है, क्या है, दैट इज ओनली, मतलब उनका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। बाद में क्या हुआ, मिसयूज शुरू हो गया। सम कॉलेजेस आर देयर जहां पे आप एडमिशन लेने से डरते थे एट दैट टाइम, वहां पे ऐसी रैगिंग होती थी कि आधे बच्चे छोड़ के चल जाते थे। देयर इज सम सुसाइड केसेस आल्सो। इतना आपको तंग करना है कि मतलब बहुत वर्स इसके, तब ये आपका रूल बन गया। अगर अभी किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में एनी सीनियर, जस्ट अगर आपने कंप्लेन कर दी है कि इसने मुझको टॉर्चर किया, तो सीधा वो बाहर है, उसको कोई नहीं बचा सकता, वो उसी टाइम उसको एक्सपेल कर देते हैं। ये पूरा एक लॉज उसी के बाद बना था। तो बट आप में से अगर किसी के फैमिली में कोई आर्मी में अगर गया हो रिसेंटली, जो जाते हैं अभी एनडीए के थ्रू, आईएमए के थ्रू, उनसे आप पूछना, आपके रूम में आएंगे सीनियर्स। ठीक है, अगर आपके शूज रैक में नहीं है, आपकी ड्रेस प्रॉपर हैंगर में नहीं है, यू जस्ट कम आउट, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आपको बताएंगे कि अगर आपने आर्मी ऑफिसर बनना है तो एटलीस्ट यू हैव अ क्वालिटीज ऑफ ऑफिसर। ये नहीं कि एक कपड़ा घर में, जैसे आप अपने पेरेंट्स के पास रहते थे, यहाँ पे फेंक दिया, दूसरा वहां पे आपको उठा रहे हैं, आपका बिस्तर उठा रहे हैं। ठीक है, वो चीजें नहीं होती। और सीनियर मीन्स सीनियर्स, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, 4 ईयर्स वहां पे होता है एनडीए में, तो वो जो सीनियर जब आते हैं तो वो आपको सारा कुछ सिखा देंगे, और वो भी एक पूरा एक डिसिप्लिन में होता है। वो ये नहीं है कि जिसको हम बोलते हैं कि आपने रैगिंग ली है, फाउल लैंग्वेज यूज कर दी है, ठीक है, अपना सीनियरिटी का मिसयूज कर रहे हो आप। और जितने मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज आगे होते थे, बच्चे घर पे आके वापस जाते नहीं थे कॉलेजेस में, इतना वर्स काम हो गया था। आप कहीं जा रहे हो, आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वो चीजें करवाते थे वो।
आप क्लास में बैठे हो, सीनियर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, चलो अभी आ जाओ लाइन बनाओ चलो, कोई नहीं रोकता था। क्यों? ट्रेंड था है कि प्रोफेसर बैठे हैं, बच्चों को लेके चल जाएंगे, सारा दिन आपको जो मर्जी कराते हो। पर जब ये इंसिडेंट शुरू होने हुए तो उन्होंने इसको टोटली बैन कर दिया। अदरवाइज मेडिकल कॉलेज की और इंजीनियरिंग कॉलेज की जो रैगिंग होती थी ना, कोई आपका अगर पढ़ के गया हो 10 साल पहले तो उनसे पूछना। या जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे तो हॉस्टल के कमरों में क्या होता था, वहां के उन्होंने किक मारनी है, चलो अंदर चलो बाहर चलो ये हो ये करो, रात भर ये करते रहो। तो साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स में क्या है? अब हम लोगों को अगर सपोज वी आर अ स्पोर्ट्स टीचर, ठीक है, बाकी तो हम आपको टीचर्स फॉर का नहीं बोल सकते, बीएड में भी वैसे साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी हर जगह होती है। बट कोचिज एज ए ट्रेनर्स, अगर हमको अपने ट्रेनर्स की उसका बिहेवियर का नहीं पता होगा तो हम उससे कुछ भी आउटपुट नहीं ले सकते। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी द माइंड और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है? इट इज अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ठीक है। अब मुझको पता है ये प्रैक्टिस में बहुत अच्छा है, मैच आते हैं तो डर जाता है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही मैच में, ठीक है, मैच खत्म हो गए, बड़ा अच्छा खेलता है ये, बहुत अच्छा खेलता है, मैच खत्म हो गए उसके बाद ही इज नॉट सीरियस अबाउट द फर्दर कॉम्पिटिशन। मतलब जो आपका फेस एक होता है ना हमारा, एक प्रिपरेटरी फेस होता है, कॉम्पिटिटिव फेस होता है, ट्रांजिशनल फेस होता है, ये 3 फेसेस होते हैं लाइफ में ट्रेनिंग के। अब हमने क्या किया, हमने देखा इसको कि इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है। आपने कभी भी देखा कि जितने भी कोचेज बैठे होते हैं लैपटॉप में, देखा फुटबॉल हॉकी में लैपटॉप लिया होता है उन्होंने और वो फड़ा यहाँ लगे होते करने, ओपोनेंट ने 4-3 की फील्ड ले ली है, आप अपना काउंटर अटैक कर दोगे। ये सारा साइकोलॉजी पे काम है स्पोर्ट्स का। ओपोनेंट ने आपको 4 फील्डर ऑन साइड पे ले लिए, आप फिर वहीं पे शॉट मार रहे हो, ठीक है। जब तक हम बोलते हैं ना लर्निंग, जो एक लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्रैक्टिस, लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड। आपने ये सुना होगा कि एकलव्य का नाम सुना, एकलव्य जिनका अंगूठा थम ले लिया था, कभी रामायण महाभारत देखी पड़ी है, पता लग गया ना। तो वो कहाँ प्रैक्टिस करते थे, उनका एक स्टैच्यू बनाया हुआ था उसको देख के अपने कर रहे हैं। और जब वहां पे उनका एक वहां पे उन्होंने कंपटीशन किया, उन्होंने देखा ये कहाँ से आ गया, इसको तो किसी की ने ट्रेनिंग ही नहीं दी। फिर उसने बताया कि मैंने उनकी ऐसी बना के उनको वर्शिप करके मैं अपनी प्रैक्टिस से, दैट इज ए लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इमिटेशन, लर्निंग बाय प्रैक्टिस। वो लोग ऐसे भी सीख जाते हैं। आप किसी, आप सपोज हम लोग क्या करते थे, जैसे हमारे NIS में डिफरेंट स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स वो चला देते हैं। सपोज आपका कोई, हमने ड्राइव को इम्प्रूव करना है, ठीक है, आपके स्विमिंग की कोई स्किल को इम्प्रूव करना है, हम बोलेंगे सी द पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, आपकी मूवमेंट्स आ रही है यहाँ से आ रही है, इट शुड बी क्लोज टू योर ईयर, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। ये सारी चीजें करके हम साइकोलॉजी के थ्रू ही किसी अपने ट्रेनिंग को, ट्रेनर्स को ट्रेन करके उसका बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। और पता सब होते हैं, आपको एक बड़ा फेमस मैं बताऊं, जो कोचेज होते हैं ना उनकी दो कहते हैं आईज आगे होती हैं, दो पीछे होती हैं। शरारत वाले बच्चे बहुत आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं करते हैं। अब तो वैसे भी जो न्यू जनरेशन है वो टीचर्स को तो छोड़ो, अपने पेरेंट्स को नहीं सुनती है। अब ये जितने दिन लॉकडाउन था तब पेरेंट्स आके दुखी हो गए कि घर में हम तो पागल हो गए, सवेरे उठना नहीं, उठ के ऑन करके सो गए हैं जी। पेरेंट्स जो वर्किंग है उनको और ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अपना काम करने निकल गए हैं तो पीछे क्या हो रहा है। और ये चीजें अभी नहीं, आपके नहीं, सबके साथ ही हो रहा है। बट जो यहाँ पे अगर आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया, आपने अपने लाइफ का कोई एम रख लिया, ठीक है, वो आपको पे करेगा आगे। अदरवाइज आपने किसी को बोल दिया, अगले ने इग्नोर कर दिया, आज तुम आए हो पढ़ के चले गए, कौन पूछेगा 2 साल बाद, किसी ने नहीं पूछना, ठीक है। कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के चले गए, बट दोज हु रिमेम्बर, कई ऐसे भी हैं जो रेड लाइट है वो गाड़ी से उतर के आके
मिलने आते हैं, ठीक है। वो 10 ईयर्स वाला काम चला गया, अभी तो कोई टीचर पीछे जाएगा वो उसको 2 गालियां निकाल देंगे, उसका कोई नाम रख लेंगे, उसको कुछ बोल देंगे। हम लोग भी स्टेजेस से निकले हैं, बट हमारे टाइम में एक रिस्पेक्ट होती थी, ठीक है, बड़ों की, सीनियर्स की, बट वो चीजें अब नहीं है। पेरेंट्स दुखी हैं बच्चों से, किसी भी चीज में कोई भी काम करने के लिए उतना उन्होंने कंपेल कर देंगे। ये क्यों होता है? छोटे होते ही आपकी हर चीज को मैंने ये लेना ये लेना ये लेना। हमारे टाइम में होता था ये चीज है लेनी लो, नहीं तो जाओ। स्कूल में अगर कोई डांट पड़ गई ना और कंप्लेंट आ गई तो घर में उससे ज्यादा थप्पड़ पड़ेंगे। आगे ये ट्रेंड होता था, बहुत पेरेंट्स हमारे यहाँ आते थे, बच्चा जी यहाँ घूमता है जी, सर कहीं पे मिल गया, आपने कुछ नहीं करना, हम बैठे हैं बस, जहां कहीं खड़ा दिख गया। बहुत पेरेंट्स ऐसे थे, कई ऐसे थे आपने किसी को ऊंचा भी बोल दिया तो वो पूरा मोहल्ला लेके पहुंच जाते। या MGN में वहां पे टीम में बच्चा नहीं आया तो उन्होंने बोल दिया जी इसको को साहब ने थप्पड़ मारा, कान का पर्दा फट गया। सुना था? वो टीम में कहीं नहीं था, थप्पड़ उसको क्या मारना, जो बच्चा है ही कहीं टैलेंटेड ही नहीं है और इतना कर कर के सारा कर दिया। तो ये दिस इज मतलब ये सारी चीजें पेरेंट्स को, ठीक है, ये आपको घर पे अगर आप बताओगे बच्चों को एटिकेट्स कहाँ, वैल्यूज। स्कूल में बच्चा कितना टाइम रहता है टीचर के पास? 40 मिनट्स आप मेरे पास आ गए, 40 कहीं चले गए, उन्होंने कुछ बोला, मैंने कुछ बोल दिया, छुट्टी हुई, घर चल गए। ये वैल्यूज जो हम बोलते हैं ना, मॉरल वैल्यूज, आप कभी भी देखना वर्ल्ड में जितने बड़े अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, कभी तेंदुलकर का कोई कंट्रीब्यूशन देखा है आपने? कोई भी स्टेटमेंट तेंदुलकर की, उससे बड़ा क्रिकेटर तो नहीं कोई हुआ, 100 सेंचुरीज है उसकी। अभी उसने आज तक कभी कोई भी ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी हो? अभी कपिल देव का नाम सुना है आपने? मूवीज देखा कितनी बन गई है 83 की। और आप ये देखो कि वेस्ट इंडीज की टीम, जो टीम को लोग उसको उनको खेलने से डरते थे, लिटरली ऐसे उनके जो बॉलर जब बॉलिंग करते थे ना तो लेग्स ऐसे शिवर कर रही होती थी। इंडिया ने उनको 2 बार हराया, इनिशियल में भी और फाइनल में भी। वो कैसे हराया? ड्यू टू कलेक्टिव एफर्ट्स और लीडरशिप ऑफ ए योर कैप्टन। तो साइकोलॉजी हमने अब क्या किया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कर ली, साइकोलॉजी कर ली। अब अगर सपोज हमको जब साइकोलॉजी की नॉलेज होगी, हमको पता है ये कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, तो व्हाट हैपेंड देन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम ऑफ दिस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्या बेनिफिट मिलेंगे हमको? अगर हमको नॉलेज होगी है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की तो हमको कोई बेनिफिट मिलेगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स? ठीक है, और बोलो बेटा, इतना मैंने आपको बता दिया है, अभी आप क्या 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 कर सकते हो? जब मुझको पता लग गया ये आदमी ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो व्हाट हैपेंड? नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सबसे पहला काम क्या है हमारा स्पोर्ट्स में? परफॉर्मेंस है। पढ़ाई में आपका क्या काम है? आपने कंपटीशन को निकालना है। फर्स्ट स्टेप आपका लाइफ का क्या है? वो आपने अचीव करना। जब आपकी परफॉर्मेंस, हमको पता लग गया है कि इसको ऐसी ट्रेनिंग दे के, ऐसे मोटिवेट करके हम परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूव कर सकते हैं, देन देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइंट, बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं, आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। कोचेस की और अगर आपका ट्रेनिंग की अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो नेचुरली क्या होगा, बेटर रिजल्ट आएंगे। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो तभी आपको कोई डॉक्टर को अपनी डिजीज बताओगे तभी मेडिसिन देता है ना। तो सेम इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स, आपने ट्रेनिंग ले ली है वर्ल्ड के टॉप कोच से, ठीक है, आपका कैंप लग गया 1 मंथ का, आपको घर भेज दिया अपनी स्टेट में, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, यू कैन टॉक देम। आजकल वीडियोज हैं, आजकल कोचिंग भी कैसे देते हैं, वो आपको बोलेंगे जी मैंने कोचिंग लेनी है, वो बोलेंगे अपनी वीडियो डालो,
वो चेक करेंगे कि हाँ ये इस कैलिबर का है कि नहीं, जो अच्छे कोचिज हैं ऑनलाइन वो देखेंगे आपकी मूवमेंट है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। अगर नहीं होंगे जो अच्छे कोच है दे टोटली रिफ्यूज, वो बोलेंगे आप जहाँ खेल रहे खेलते रहो। ये सारी चीजें ऑनलाइन सारा इसी साइकोलॉजी के लिए है ना सारा। अब आप आपका वेट ही आपकी बॉडी एथलेटिक वाली नहीं है तो दूसरा आदमी क्या करेगा आपको। तो इससे हमको कितने बेनिफिट मिलते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर आपका सबसे मेन क्या होता है, आपकी विल पावर वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। आप मोटिवेट होते हो, कोई भी जो आपका काम है टास्क है जो आपने करना है, आपका सबसे मेन क्या होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट से। जब बच्चा खेलता है तो पहले उसका एम होता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनूं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन गया वो, उसके बाद वो बोलेगा मैंने स्टेट चैंपियन बनना है। तो ऐसे आप उसको मोटिवेट करते रहोगे, स्टेट चैंपियन बन गए हो देन यू प्लेड फॉर द नेशनल, नेशनल में आपका मेडल आ गया, इंटरनेशनल में मेडल आ गया, यू गो फॉर अ फर्दर इंटरनेशनल लेवल। अभी आपने देखा है ये अंडर 19 बॉयज जीते हैं क्रिकेट में, पता है उसमें एक लड़का आपका जलंधर का भी है, और वो जो 4-5 बेस्ट बच्चे हैं उनके लिए आईपीएल वालों ने उनको वो नाउ दे आर वॉचिंग देम। अब ये देख लो आप, अगर उनको अंडर 19 वाले बच्चों को कोई भी टीम हायर करती है तो कितना पैसा मिलेगा, 1 करोड़ तो आप मिनिमम लेके चलो ना। तो आप ये देख लो कि एक सीजन में अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दे दी है तो आपका कैरियर कहाँ चला गया, या आपको किसी प्रोफेशन में पैसा इतना नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर बन गए हो, साइंटिस्ट इंजीनियर यहाँ पे बन गए हो, आपको एक सीजन का इतना पैसा कोई नहीं देगा। अभी देखा हार्दिक पांडे को कितने में साइन किया, कितने में किया, 2 टीम्स नहीं आई है आईपीएल में, नियर अबाउट 17 करोड़ में हायर किया उसको। आप सोचो जरा 17 करोड़, और वो अनफिट है, टीम में उसको खिलाया नहीं अभी 15-17 करोड़ में वो टीम के लिए वो खेल रहे हैं। आप सोच लो पूरी जिंदगी लग जाती है यहाँ पे आदमी को, तो कहीं पे कुछ नहीं होता है, बट आपका जो स्पोर्ट्स में नेम फेम मनी इतनी हो गई है, आपको यहाँ पे खेल रहे हो कल को आपको किसी का मैनेजर बना देंगे, कोई टीम के साथ कोई एडवाइजर कोई कमेंटेटर, मतलब पूरा आपका लाइफ का ये चलता रहता है। तो हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से किया कंसंट्रेशन, ठीक है, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट और कंसंट्रेशन बेटा ये तभी बनती है जब आपका माइंड सेट होगा, ठीक है। अगर आप आपने देखा डिफरेंट, अब तो कोहली नहीं है, अदरवाइज व्हेन कोहली इज द कैप्टन ऑफ इंडिया इज अ टोटली एग्रेसिव प्लेयर। कल देखा है मैच किसी ने, बड़ा क्रूशियल स्टेज पे मैच आ गया था, वो स्मिथ इज प्लेइंग वेरी गुड, 40 के आसपास रन चाहिए थे, उसने कैच किया है कोहली ने उसको बाउंड्री पे, एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कैच, बल्कि उसका हेड भी नीचे लगा, बहुत हाई कैच था, ऐसे पीछे पीछे करके वो बॉल फ्लोट हो जाती है। व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ हाई कैचेस तो सम टाइम व्हाट हैपन, जैसे आप ये कैच कर रहे हो बॉल आ रही है वो एयर में हल्का सा डायरेक्शन चेंज कर लेती है, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट, तो ऐसे करके उसका पूरा हेड भी लगा, तो वो उस कैच से मैच इंडिया जीत गया। वो बड़ा एग्रेसिव है, उसने जो भी काम करना कुछ ना कुछ बोलते रहना, आपने देखा होगा। बट जो अब ये रोहित है वो अपना कूल एंड काम है। ये सारी साइकोलॉजी होती है जो सिलेक्टर होते हैं। अब आप सपोज आपको हमने बॉक्सिंग गेम में भेज दिया, जुडो में भेज दिया, कराटे में जा रहे हो आप, अगर आप में एग्रेसिवनेस नहीं होगी तो यू कांट प्ले। अगर आप ढीले से वहां खड़े रहो, ये गेम ही एग्रेशन आपका एग्रेशन की है, कि एग्रेशन मीन्स कि आपने साइकोलॉजिकली फिजिकली, साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी आपका काम ही मारना हिट करना ओपोनेंट को। एग्रेशन नहीं दिखाओगे आप तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हम बोलते हैं ना जब डू एंड डाई मैचेस होते हैं, कोचेस बोल रहे थे कि यू जस्ट गो ऑल आउट, आपने कुछ नहीं देखना, गो ऑल आउट विथ फुल एफर्ट्स विथ फुल एग्रेशन, उससे साइकोलॉजिकली आप दूसरे पे क्या एक एज आपका होता है, आप उसको डोमिनेट कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी क्या है, हम खेल रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं, वो बैट्समैन के पास खड़ा है फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, उसको बोली जा रहा है
वो तेरे लेसिस खुल गए हैं जी, वो तेरा शूज हो गया है। बट नाउ डेज जो कैमरेज हैं वो बहुत हाई एडवांस टेक्निक के हैं, तो अदरवाइज क्या होता था, वो पहले तो इतना कुछ बोलते थे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेजिंग। यू नो दिस वर्ड स्लेजिंग, ये बहुत पॉपुलर हुआ है आपका। अब आप खेल रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, आप बॉलर को देखोगे कि उसको देखोगे जो आपको बोल रहा है, और वो कुछ भी बोल देते थे। नेचुरली गुस्सा तो आएगा ना आपको, कुछ बोल दिया तो आप देखोगे उसको, कुछ आप बोल दोगे, कंसंट्रेशन खराब। वो बॉलर आता है, बाउंसर मारता है, फिर आके उसको कुछ बैट्समैन के आगे आके ना वो अपने गेस्चर ऐसे दिखाएगा, देखा ना आपने, ऐसे आगे ऊपर खड़ा हो जाएगा, तो बैट्समैन को वो फिर मारेगा आगे बॉल या कुछ, वो कंसेंट्रेशन खराब होगी। साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है आपका डे टू डे लाइफ में, स्पोर्ट्स में तो है ही है। ठीक है, अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे, आपकी स्ट्रांग विल पावर होगी, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, तो नेचुरली 100% आप अपने बेस्ट एफर्ट दे सकते हो। अगर आपने अपने इमोशंस, नो डाउट वर्ल्ड में सिर्फ एक स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आदमी अपने इमोशंस को दिखाता है, हंसता है, रोता है, ठीक है, मैच हार गए रो रहा है, होता है ना, जीत गए हंस रहा है, कोई कुछ हो गया सैडनेस है, मतलब हर चीज वहां आप शो अपने एक जो ये फीलिंग्स है जब बाहर आती है, उससे आदमी क्या होता है, जो आप रोज खेल रहे हो, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। आप हार गए हो, आप आके बोलेंगे यार मैं क्यों हारा हूं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसके रीजन है। आप एग्जाम देने जाते हो अपने कॉम्पिटिशन, अब आप सारे बच्चे थोड़ा टॉप करते हैं, सारे बच्चे थोड़ा आप स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे। कोई स्लो लर्नर होता है ना स्कूल में, आप छोटे होते थे बच्चों को कईयों को पेंसिल पकड़ा के लिखाना पड़ता था 10 10 बार, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वही बच्चे कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं जो स्लो लर्नर है, बट दे आर डूइंग मोर प्रैक्टिस। दोज हु आर टैलेंटेड बट दे गिव लेस टाइम टू देयर वर्क, तो नेचुरली वो उस लेवल पे नहीं पहुंचते। जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है किसी काम के लिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभी आपने जितने भी वर्ल्ड में, ठीक है, जो यंगस्टर बच्चे देखे हैं छोटे 16 17 साल के, ओलंपिक में मेडल ले रहे हैं, और आप लोग 17 18 19 साल में, आपको आधों को यहाँ ग्राउंड का नहीं पता होता, स्विमिंग पूल कितने बच्चों ने देखा, स्विमिंग पूल कहाँ देखा है? अरे अच्छा, फोटो में देखा होगा टीवी पे। बेटा इंडिया में आधे बच्चों ने स्विमिंग पूल जिम्नेजियम ही नहीं देखे होते, दिस इज अ फैक्ट। और जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग इज अ मदर ऑफ ऑल गेम, ये लिख लेना आप अपने, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जिस बच्चे को आपने स्विमिंग करवा ली, जिम्नास्टिक करा ली, उसको किसी भी गेम में भेज दो आंखें बंद करके, कोई भी गेम, जो आपके जिम्नास्टिक के जो इवेंट होते हैं 6 different events, उसमें इतनी बॉडी फ्लेक्सिबल वो आपकी कर देते हैं कि आप कोई भी गेम की मूवमेंट विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन डू। तो इसको हम मदर ऑफ ऑल गेम्स बोलते हैं, और ये कंपल्सरी है फॉरन में, हर बच्चे को 6 5 4 months को पानी में डालना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे बंदे रिटायर होके घर बैठ जाते हैं, उन्होंने स्विमिंग पूल नहीं देखा होता, ये फैक्ट है लाइफ का। और हमारे देख लो आप जलंधर में कोई है ऑल वेदर स्विमिंग पूल, लवली में ऑल वेदर, आप यहाँ स्विमिंग कर रहे हो 4 महीने जोर ला लिया, मुड़ के कॉम्पिटिशन दिसंबर में आ रहा, क्या करोगे, सब बंद हो जाते हैं, क्या करेगा वो बच्चा जिसको पानी वैसा नहीं मिल रहा है, एटमोसफेयर वैसा नहीं मिल रहा है, तो उसका तो सारा साल का मेहनत खराब होगी ना। तो ये कुछ एक चीजें हैं ये सारी, और आप लोगों को बींग, आपने ये नहीं कि 2 साल पढ़ के फिजिकल का आप दैट्स खत्म, कि आपकी ड्यूटी खत्म होगी, आपको अपनी लाइफ में ये अपना लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करो। अभी आप देख रहे हो हर गेम के वेटरन टूर्नामेंट होते हैं, इंडिया में वर्ल्ड में कोई भी ऐसी गेम नहीं है जिसमें आपके 40+ 45 50 60+ मैचेस ना हो, ये क्यों करवा रही है गवर्नमेंट?
और दैट इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल। हर गेम के उन्होंने कैटेगरीज बना के वर्ल्ड चैंपियनशिप रखी है ताकि आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई जो, ये जरूरी नहीं है कि जो स्पोर्ट्स वाला ही है, कोई भी आदमी आप उस एक्टिविटी को, अगर आप फिट होते हैं, आपने कई स्पोर्ट्स वाले भी देखे होंगे जो आफ्टर गेम क्या हो जाते हैं, अनफिट। वो जरूरी नहीं कि वो कम्पीट करेंगे, कोई भी कर सकता है, और दैट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और इतने लोग पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं, अभी तुम्हारे भाटिया तो साहब पता है, उनके नेशनल में मेडल आए हैं दो, नाउ ही इज गोइंग फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंटरनेशनल। ये ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता है? आपने देखो किस कंट्री में जाओगे, वहां खेलोगे, आप रिप्रेजेंट करोगे अपनी कंट्री को, कितना नाम होता है। तो ये सारी उन्होंने इसीलिए चीज की है कि आप लोग अगर 40 के बाद, 50 के बाद, 60, जैसी जैसी कैटेगरीज है, यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट। एक तो क्या होता है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है आपका, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बना रहता है। जितना कोई बच्चा या कोई आदमी पार्टिसिपेट करेगा फिजिकल एक्टिविटी में, उतना ही कम उसको क्या होगा, डिजीज फ्री होगा। फिटनेस अगर अच्छी होगी तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी कंट्री की। फॉरेन में जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो क्यों मेडल लेते हैं वर्ल्ड ओलंपिक में सबसे ज्यादा, उनको पता है इसकी वैल्यू का। अगर आपका बच्चा फिट है, आपकी न्यू जनरेशन फिट है, तो आपका आने वाले टाइम में क्या होगा, आपकी इकोनॉमी भी अपलिफ्ट होगी। अब जहां पे, अब आपको ये, चलो मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ,